स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में ईसम कार्ड धारकों के लिए। आइए अभी अभी एक बड़ी खबर। जी हाँ, आपने भी ईसम कार्ड बनवाया है तो आपको भी 1000 रुपये की किस्त नहीं आई है, तो इसको लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, तो इस वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी गरीब लोग इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आइए जान लेते हैं ईसम कार्ड धारकों के लिए क्या है बड़ी खबर। देश भर में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई खास योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब जरूरतमंदों को अर्थात सहायता मदद दी जाती है। हाल ही में योगी सरकार ने ईश्रम पोर्टल के तहत ईश्रम को 500 रुपये महीने देने का ऐलान किया था। पिछले महीने सरकार ने इस स्कीम के तहत 1000 रुपये की राशि करीब 2 करोड़ ईश्रम के खाते में ट्रांसफर की थी। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इसकी अगली किस्त कब तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। आपको बता दें, ईश्रम पोर्टल पर अब तक 22 करोड़ से ज़्यादा कामगारों से रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं यूपी में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले की संख्या करीब 8 करोड़ पहुंच गई है। यूपी की योगी सरकार ने पिछले महीने ईश्रम को खाते में 1000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की थी। आपको बता दें, इस पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को कुल 2000 रुपये भत्ता दिया जाना था, लेकिन अभी तक 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जल्द ही सरकार इसके बकाया 1000 रुपये भी लोगों के खाते में ट्रांसफर कर देगी। आपको बता दें, इस समय सभी लोग अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के मुताबिक योगी सरकार दिसंबर से मार्च तक बकाया 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकती है, यानी होली तक आपके बैंक खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आपको बता दें, इस समय विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है। अब जिसकी भी अगली सरकार बनेगी वह इस पैसों को ट्रांसफर कर सकती है।